वेलकम टू स्टडीनिक्स। स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम मैथ का मॉक टेस्ट लेंगे, जो बार बार आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस लेक्चर में हम टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चाहे आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, या दिल्ली पुलिस, बैंक PO, बैंक क्लर्क, या UP SSC पेट लेखपाल, या UP SI कांस्टेबल, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों फ्रेंड्स, ये टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके इन्हीं एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको इससे जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो 100% आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 15% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी, तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान की जनसंख्या 1,12,000 है तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, यानी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20 होता है। उसके बाद 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। उसके बाद 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/10 होता है। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालने आता तो हमारा परसेंटेज का लेक्चर देखिएगा, आपको निकालना सीख जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या हो रहा है, 15% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो अगर 15% की वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये और 20% की फिर कमी हो जा रहा है, और फिर 10% की वृद्धि हो रहा है। तो अब देखिएगा, 20 था, 3 और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले 20 था, ठीक है, 3 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 23। अब देखिएगा 20% की कमी, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो यानी 1/5 में से 1 कम हो जाएगा, पहले 5 था, 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी पहले 10 था, 1 और बढ़ जाएगा, पहले 10 था, 1 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा ये वाली जो वैल्यू होगी वो 3 वर्ष पहले की होगी, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू होगी वो वर्तमान की होगी, वर्तमान, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में जो देखेंगे, जो अगर काटने लायक रहेगा उसको हम काटेंगे। जैसे 4 से अगर हम 20 को काटते हैं तो 4×5=20 हो जाएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करके और 10 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×25, 25 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ग्रहियों में कितना होता है, 253 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये वर्तमान में है, यानी वर्तमान में इतना है, तो जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 1,12,000 दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1,12,000/253 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा 253 से इसको काटेंगे, 1,12,000 को, तो कितने बार कटेगा, 253 × 1,012 हो जाएगा, ठीक है, 253 × 1,012। अब 4 और यहाँ पे 2 जीरो है तो यानी 1 की वैल्यू यहाँ से 400 आ गई, कितनी आ गई, 400। अब हमें 250 की वैल्यू चाहिए तो इसमें क्या करिएगा, 400 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिएगा 3 जीरो पहले पीछे है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद 25 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25×4 क्या होता है, 100 होता है, यानी अब क्या आ गया, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 1,00,000 आ गया, कितना आ गया, 1,00,000। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका आपका सलूशन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, लिखा है 504 छात्र छात्राओं की एक पाठशाला में छात्रियों छात्राओं की संख्याओं का अनुपात
13:11 है, ठीक है। इसमें यदि तीन छात्राओं को और जोड़ दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा, यानी तीन छात्राओं को और जोड़ दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्या करिएगा, पहले आप निकालेंगे बॉय यानी कितने लड़के हैं, छात्राओं छात्र की संख्या निकालेंगे। तो अब बताइए टोटल संख्या आपकी कितनी है, 504 है, ठीक है। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो हो जाएगा 24। अब 24 से 504 में भाग करेंगे, उसके बाद जो छात्र की संख्या है कितना है 13, अब इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारा छात्र की संख्या निकल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, उसके बाद 50 में से 48 जाएगा तो बचेगा 2, 24 करने 24, ठीक है। अब 21 और 13 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो 13 करने 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड ये आपके छात्रों की संख्या आ गया, ठीक है। अब छात्राओं की संख्या हम निकाल लें, छात्राओं की संख्या निकाल लें, कैसे निकलेगा देखिएगा। 504 में अगर हम छात्र की संख्या यानी 273 को माइनस कर दें तो हमें छात्राओं की संख्या पता चल जाएगा, कैसे देखिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 504 में 273 माइनस करिएगा तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, यानी 231 कितने आ गए, छात्र आ गए। अब देखिए किसकी संख्या में जोड़ दिया जाए, छात्राओं की संख्या में, तो इसमें अगर आप लोग 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे बॉय यानी छात्र छात्र का अनुपात और उसके बाद छात्राओं का नया अनुपात यही पूछा है, ठीक है। तो छात्र कितने हैं, 273, ठीक है, 273 हैं। उसके बाद छात्राएं कितने हो जाएंगे, 234। यहाँ तक आपका क्लियर है, आगे देखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे काटेंगे देखिएगा, 3 से काटिएगा, 3 9 27 हो जाएगा ना, 3 करने 3। अब देखिएगा 3 7 21, 3 8 24, समझ में आ गया आपको। अब देखिएगा इसको और आप लोग सॉल्व करिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 13 7 91, 13 6 78, यानी जो आपका अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 7:6। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 142 93, 102 206, 115 और 98 रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग सब सिंपली क्या करिएगा, सभी को काउंट करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 142 प्लस 93 प्लस 102, 102 प्लस 206 प्लस 115 प्लस 98, ठीक है। अब देखिएगा टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। अब क्या करेंगे, इसको 6 से भाग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व करिएगा तो 8 5 13, यानी इकाई के स्थान पे जितनी संख्या है सभी को पहले काउंट करेंगे, 8 5 13 13, और बताइए 13 6 13 6 19, 19 2 21 21 21 और 3 24, 24 24 2 26, 26 के आपके 6 हो जाएगा, हाँ सिर्फ 2 हो जाएगा। अब दहाई का अंक काउंट करेंगे, 9 9 1 10, 10 यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, 10 9 19 19 4, बताइए 19 4 आपका हो जाएगा 23, 23 24 25, 25 के 5 हो जाएगा, हासिल आपका 2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा आगे और सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा अब इकाई दहाई हो गया सैकड़ा, यानी 1 यहाँ पे 2 है हो जाएगा 3, 3 1 4, 4 और 1 5, 5 2 7, यहाँ पे 7 आ गया, 756/6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा इसको काटिएगा तो 6 करने 6 हो जाएगा, 1 जाएगा, तो 6 दूनी
12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा तो 6 36 हो जाएगा, यानी जो आपका औसत आएगा वो 126 आ जाएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 336 रुपए को ए और बी में कैसे विभाजित किया गया कि ए को बी का 5/16 भाग मिला, ए को कितना धनराशि मिली, यानी हमें ए की धनराशि निकालना है, ए को कितना मिला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले अब बताइए बी का 5/16, तो मान लेते हैं बी को मिला यक्स रुपए, कितना मिला यक्स रुपए। अब देखिएगा यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ए को बी का 5/16 यानी ए बराबर आपका हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे बी की जगह पे बी को यक्स रुपए मिले, यक्स का 5/16 किसको मिला, ए को मिला, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा ये तो ए की वैल्यू हो गई और हमारी बी की वैल्यू यक्स है, तो इसमें और अगर यक्स काउंट कर देंगे, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 336 दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x/16 प्लस क्या हो जाएगा यक्स बराबर 336। अब यहाँ पे यक्स के नीचे एक लिखेंगे, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 16, ठीक है, 16 करने में 16 यानी 5x प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा एक सोलहियम 16 का यक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x बराबर हो जाएगा आपका कितना 336। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 16 और 5 को काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 यक्स बटे में आपका 16 आ गया, बराबर कितना दिया है 336। समझ गए आप लोग? अब देखिएगा 7 से करिएगा, काटिएगा इसको तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 से इसको काटिएगा 7 4 28 7 5 35 यानी 7 4 28 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना देखिएगा, 7 4 28 यानी बचेगा आपका यहाँ 33 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 7 8 56। अब 3 से इसको सॉल्व कर देंगे 48 को, 3 करने में 3 3 6 18। अब देखिएगा यहाँ पे 16 है, 3x मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 256। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू अभी हमने निकाला था, ए की वैल्यू क्या होता है बी, देखिए यहाँ पे लिखा है ना बी का 5/16 यानी बी की वैल्यू अभी यक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ से यक्स था तो यक्स की वैल्यू 256 रखिएगा का 5/16, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा तो 16 16 256 हो जाएगा, 16 5 80 यानी ए की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 80 रुपये, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए तथा बी एक व्यवसाय में क्रमशः 3000 4000 लगाते हैं अगर ए अपनी लागत को 6 महीने बाद दोगुना कर देता है, ठीक है, तो ए और बी की उस वर्ष के लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, यानी बांटना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे ए का पहले क्या है 6 महीने के लिए, यानी ए लगाता है पहले 3000 कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, फिर एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो ये 6 महीने के लिए 3000 लगाता है, फिर देखिए इसमें काउंट करिएगा। अब क्या कर रहा है, ए अपनी आय को 6 महीने के बाद दोगुना, यानी 3000 का दोगुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 6000, ये होगा 6 महीने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अनुपातिक लगाइएगा, उसके बाद बी की आय कितना है 4000, अब ये जो 4000 लगाता है ये 12 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 3 18 18000, ठीक है, प्लस 6 4 36 यानी 36000, समझ गए। अब यहाँ पे अनुपात 12 4 48 यानी यहाँ पे ये 48000 हो जाएगा। अब देखिएगा
यहाँ पे 18 और 36 को काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 54,000, ठीक है। अनुपाते 48,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 7 * 21 = 28, बताइए ये किससे कटेगा, जल्दी से आप लोग बताइए विद इन 5 सेकंड में, जल्दी से। हाँ, 9 * 56 = 54 और 9 * 7 = 63, 9 1 मिनट। हाँ देखिएगा फ्रेंड, 6 * 9 = 54 होगा, ठीक है, और 6 * 7 = 42 6 * 8 = 48 हो जाएगा, यानी जो आपका अनुपात होगा वो 9:8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 9:8 के अनुपात में उसके क्या होंगे, लाभ को बांटा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।